ओ फारूक भाई अपने चौक में ला के चौक में से लेके जाएंगे। हाँ सभी भाई, आज तकरीबन 4:45 के करीब में 40 गांव फाटे के ऊपर एक तहलका देने वाला वाकया पेश आया, जिसके अंदर एक बच्चे की मौत हो गई। उसकी उम्र 21 साल है, रहने वाला वो कमालपुरे का है। उसका नाम है मोहम्मद जुनैद नहीं मेहमद। और दूसरे उनके साथ एक धूलिए के जो MIM के जिलाई सदर थे, जिले के सदर थे MIM के, शमसुल हुदा उनका नाम था। उनकी उम्र 55 साल है। तो ये दोनों बाइक के ऊपर जा रहे थे, इनको 12 टायरा गाड़ी ने आकर मारा। मारने के बाद ये लड़के के सर के ऊपर से गाड़ी चली गई, तो ये पूरी तरीके से उसका सर डैमेज हो गया बच्चे का, और उसका जगह पे इंतकाल हो गया। और जो MIM के जिला सदर थे, उनके एक तरफ का पैर काटना पड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो सीरियस हालत में अभी धुलिए के जो उनके आमदार साहब है फारूक शाह साहब, उनको इत्तला की गई, और बाकी का इस वार्ड के जो कॉरपोरेटर थे फारूक भाई और हमारे शफीक भाई इस वार्ड के कॉरपोरेटर, ये लोग यहाँ पर साथ में मौनत के लिए आए थे। अभी हम लोगों ने PM रूम से डेड बॉडी निकाल कर और यहीं पर कल्लूकुट्टी दरगाह के ऊपर उनको नहला कर, और नहलाने के तुरंत बाद उसको बड़ा कब्रस्तान में ऐशा के फौरन बाद तदफीन की जाएगी। ये वाकया जो अभी पेश आया, इससे पहले भी हम लोगों ने 2-3 मरतबा मेमोरेंडम दिया, और मेमोरेंडम देने के बाद कहा कि जो हाईवे वालों ने साइड से डिवाइडर नहीं बनाए, वो डिवाइडर अपना ब्रेकर और ब्रेकर के अलावा जो साइड रोड होता है पैदल चलने के लिए, और हाँ सर्विस रोड जिसको बोलते हैं, तो सर्विस रोड नहीं बनाने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा हादसा पेश आते हैं। वहाँ भी सर्विस रोड नहीं है, और पूरा मालेगांव क्रॉस कर लेंगे वहाँ भी सर्विस रोड नहीं है। ये हादसे सिर्फ और सिर्फ सर्विस रोड नहीं रहने की वजह से इतने हादसे पेश आते हैं, और ये मालेगांव वालों का इतना जानी नुकसान होता है।